हेलो फ्रेंड, जय जिनेन। आज वीडियो में बता रही हूँ मैं आपको पंच परमेष्टि के बारे में। तो जो परम सबसे उत्तम पद में स्थित है उसे परमेष्टि कहते हैं। परमेष्टि हमारे पांच होते हैं। पहला अरहंत, दूसरा सिद्ध, तीसरा आचार्य, उपाध्याय, साधु, और ये पांच वो हैं। तो इन पांच हम पंच परमेष्टि के बारे में बता रहे हैं। तो इसमें हम आपको ये पहले बताई दी, ये दर्शन पूजन विधि है, इसमें से मैं पढ़ रही हूँ। ये उन लोगों के लिए पढ़ रही हूँ जो वृद्ध लोग हैं, सुन नहीं पाते, पढ़ नहीं पाते हैं, तो उनको मतलब हम बोल के उनको सुना सकते हैं। तो उसके स्मरण से ही हमें काफ़ी ज्ञान हो जाता है और हमें उसके बारे में जानकारी होती है। तो सबसे पहले है अरहंत। अरहंत शब्द अरह धातु से बना है, जिसका अर्थ है स्तुल्य पूजा के योग्य होता है। अर्थात जो महापुरुष पूजा के योग्य है वे अरहंत कहलाते हैं। इनके चार घातिया क्रम हैं, ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, मोहिनीय और अंतराय नष्ट हो गए हैं। इनके 16 मौन गुण, 34 अतिशय और 8 प्रत्याहारे, 4 चतुष्टय होते हैं और उत्तर गुण अनंत हैं। ये दोषों जन्म मरण बुढ़ापा भूख प्यास आश्चर्य मद दुख रोग शोक गर्व मोह भय निद्रा चिंता पसीना राग देश से रहित होते हैं। अब सेकंड पॉइंट है सिद्ध। सिद्ध अर्थात सब कर्मों को क्षय करके शुद्ध हुई आत्मा, जो लोकालोक की ज्ञाता दृष्टा है, जो चार घातिया उपरोक्त तो और चार अघातिया इसमें है वेदनीय, आयु, नाम और गोत्र, कुल 8 कर्मों का नाश करके नित्य निरंजन अशरीरी है और लोक के अप्रभाग में विराजमान है, तथा जो लौटकर कभी संसार में नहीं आएंगे। इनके 8 मूल गुण है शायिक, सम्यक्त्व, अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अगुरु लघुत्व, अवगाहनत्व, सूक्ष्मत्व, अनंत वीर्य, अव्याधात्मक और इसके उत्तर गुण अनंत है। तीसरा है आचार्य। जो मुनि संघ के नायक होते हैं, 5 आचार्य, दर्शनाचार, ज्ञानाचार, चरित्राचार, तपाचार और वीर्याचार का पालन करते हैं। संघ में साधु से कराते हैं, आत्म शिष्यों को शिक्षा दीक्षा देते हैं, उन्हें प्राशित देते हैं। 36 मूल गुणों, 12 तप, 10 धर्म, 8 आचार, 6 आवश्यक और 3 गुप्ती के धारक होते हैं। इनके उत्तर गुण हैं उपाध्याय। जो मुनि 11 अंग और 14 पूर्व के ज्ञानी होते हैं, शास्त्रों के ज्ञाता होते हैं और संघ के साधुओं को पढ़ाते हैं। 11 अंग और 14 पूर्व को पढ़ना पढ़ाना ही इनके 24 मूल गुण हैं। उत्तर गुण अनंत है। फिर हमारा लास्ट है पांचवा साधु। जो निर्माण मार्ग की साधना करते हैं, उभय, स्वय और पर हित के साधक होते हैं, विषय आशाओं संपूर्ण आरंभ परिग्रह से रहित हैं, सदा ज्ञान ध्यान से तलीन रहते हैं और इनके मूल गुणों महाव्रत, समिति, इंद्रिय विजय और 6 आवश्यक और 7 शेष धारण करते हैं। पंच परमेष्टि में जैन धर्म के शुल्लक और एलक शामिल नहीं है। इन पांच परमेष्टियों से केवल अंतिम 3 के हमें दर्शन प्राप्त हो सकते हैं। तो आज वीडियो में मैंने आपको पंच परमेष्टि के बारे में बताया है। कल दूसरी वीडियो में मैं आपको तीर्थंकर के बारे में बताऊंगी, पर इससे पहले आप मेरे चैनल प्रीति जैन धर्म को सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और कुछ पूछना है तो मैं उसके बारे में आपको बताऊंगी। अब कल की वीडियो में तीर्थंकरों के बारे में बताना है, तो मेरी वीडियो देखिए और उसको सीखिए, जानिए। जय जिनेन्द्र।